नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉमर्स ज्ञान में। और आज हम अपना लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक वसूली खाता यानी रियलाइजेशन अकाउंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, वसूली खाता। फर्म के समापन पर सभी संपत्तियों का विक्रय किया जाता है तथा एक सभी दायित्वों का भुगतान किया जाता है, और उसी के लिए बनाया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट यानी वसूली खाता। अब बात आती है कि इसके लिए वसूली खाता जो खोला जाता है वो नाम मात्र का खाता होता है, तथा इस खाते के डेबिट पक्ष में सभी एसेट्स तथा क्रेडिट पक्ष में सभी लायबिलिटी का ट्रांसफ़र किया जाता है, और ये जो ट्रांसफ़र किया जाता है ये बुक वैल्यू पे किया जाता है, ठीक है। और इस तरीके से हम सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटी को ट्रांसफ़र कर देंगे इन पांच लायबिलिटी और पांच एसेट्स और लायबिलिटी को छोड़कर। वो हम पढ़ते हैं, रोकड़ तथा बैंक से अवितरित हानियां, अवितरित लाभ या संचय, साझेदारों के ऋण और साझेदारों के पूंजी खाते। हम इनके अलग अकाउंट बनाएंगे और वहां से इनको समाप्त करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जितने भी एसेट्स एंड लाइबिलिटी थी उन सबको बुक वैल्यू पे ट्रांसफर कर दिया, जिसकी वजह से पूरी बैलेंस शीट को हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। और उसके बाद इस खाते के डेबिट पक्ष में लायबिलिटी को किया गया भुगतान तथा क्रेडिट पक्ष में एसेट को किया गया भुगतान दर्शाया जाता है। इस खाते के अंतर को वसूली पर लाभ अथवा हानि कहा जाता है, जिसे सभी साझेदारों को लाभ हानि अनुपात में बांटा जाता है। सेम उसी तरीके से जैसे हम रिवेल्युएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता था उसे हम सभी साझेदारों में बांट दिया करते थे, सेम उसी तरीके से जो भी प्रॉफिट और लॉस इस रिवेल्यूएशन अकाउंट में होगा हम उसे बांट देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम इसका फॉर्मेट देखते हैं। तो रिवेल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट अगर हम देखें तो शुरू में सन्ड्री एसेट्स लिखा हुआ है कि सभी एसेट्स को हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग या फिर कोई भी बिल्स रिसीवेबल, फर्नीचर, स्टॉक और डेटर्स। इसके अलावा सभी लाइबिलिटीज़ को हमने यहाँ ट्रांसफ़र किया, सिक्योर लोन, क्रेडिटर्स, कोई अदर लोन है तो वो बैंक लोन या प्रोविजन, इस तरीके से ऑल लाइबिलिटी हमने ट्रांसफ़र कर दी। इधर हमने ऑल एसेट्स ट्रांसफ़र कर दिए, अगर और भी कोई एसेट है हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इनसे जो पैसा हमें रिसीव हुआ है वो आएगा यहाँ पे दायित्वों का भुगतान, मतलब इनसे जो हमें पैसा पेमेंट करना है वो आ गया यहाँ पे। इसके अलावा इन्हें जो हमें पैसा मिलेगा इनसे वो आ गया हमारे पास यहाँ पे। कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है वो हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है। देखिए अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, ठीक है, अनरिकॉर्डेड एसेट है तो एसेट को सबसे पहले डेबिट करना पड़ेगा, तो एसेट जो भी उसका नाम है टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल। इसके बाद वापस से हम एक एंट्री करेंगे रियलाइजेशन टू एसेट, ठीक है, और ये दो एंट्री कंटिन्यूटी में हो जाएगी। उसके बाद अगर कोई भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, व्ययों का भुगतान अगर हम किए जाता है तो वो इधर आ जाएगा, और फिर किसी भी तरीके का प्रॉफिट और लॉस हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। और अगर कोई भी एसेट या लाइबिलिटी पार्टनर को दी जाती है, क्योंकि मान लीजिए कोई संपत्ति है, वो पार्टनर बोलता है कि ये संपत्ति आप मुझे दे दीजिए, ये संपत्ति मेरे काम आएगी, तो वो संपत्तियाँ या लाइबिलिटी अगर उस पार्टनर को दी जाती है तो हम उसे इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब देखिए अगर हम जनरल एंट्री की बात करें तो जो जनरल एंट्री है उसमें हम एसेट और लाइबिलिटी को चार तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? पहला, बैलेंस शीट में दर्शाई गई सारी संपत्तियां जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो रियलाइजेशन टू एसेट, लाइबिलिटी के लिए उल्टी एंट्री हो जाएगी, ठीक है, विपरीत एंट्री। सेल करने पे यानी विक्रय यानी कि सेल करने पे कैश टू रियलाइजेशन, यानी सारा पैसा हम रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देंगे। साझेदारों संपत्तियां लेने पर या दायित्व लेने पर पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, और बैलेंस शीट में न दर्शाई गई संपत्तियां तो मैंने आपको बताई थी जनरल एंट्री एसेट है तो एसेट टू लाइबिलिटी टू पार्टनर्स कैपिटल, एंड लाइबिलिटी में पार्टनर्स कैपिटल टू लाइबिलिटी, ठीक है।
उसके बाद रियलाइजेशन टू एसेट अकाउंट, उसको ट्रांसफर करने के लिए। उसके बाद अगर वो सेल होती है तो कैश टू रियलाइजेशन, और अगर वो पार्टनर के द्वारा ले ली जाती है तो पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन अकाउंट। आगे देखते हैं, इसके लिए कुछ नोट्स हैं हमारे पास, हमें एक बार उन्हें देखना पड़ेगा कि अगर कोई पुस्तकों में संपत्ति नहीं दिखाई जाती है और दायित्व भी पुस्तकों में नहीं दिखाए जाते हैं, और अगर उनका भुगतान एक दूसरे से कर दिया जाता है तो इसका कोई लेखा नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई फर्नीचर नहीं दिखा रखा था बैलेंस शीट के अंदर, इसके अलावा एक क्रेडिटर आपने नहीं दिखा रखा था बैलेंस शीट के अंदर, और उस क्रेडिटर ने कहा कि मुझे आप ये फर्नीचर दे दीजिए और मेरे भुगतान के लिए, और अगर आपने उस फर्नीचर को उस क्रेडिटर को दे दिया तो पुस्तकों में फिर उसका कोई लेखा नहीं किया जाएगा, उसको में कोई लेखा नहीं। उसके बाद है पुस्तकों में लिखी संपत्ति की, पुस्तकों में लिखी संपत्ति का पुस्तकों में दर्शाए गए दायित्व के भुगतान के लिए प्रयोग लेने पर भी कोई लेखा नहीं किया जाएगा। उसके बाद है ख्याति, सभी संपत्तियों की तरह इसे भी वसूली खाते में ट्रांसफर किया जाता है। यदि दायित्व के भुगतान के संबंध में कुछ ना कहा गया हो तो हम यह मानेंगे कि 100% दायित्व का भुगतान किया गया है। उसके बाद है यहाँ पे हमारा रियलाइजेशन अकाउंट खत्म होता है। यहाँ से हमारा रोकड़ अथवा बैंक खाता, यानी कि कैश या बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट हमारा चालू होता है। उसमें हम सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ले लेंगे जो भी बैलेंस शीट में दिया हुआ है टू बैलेंस बीडी के नाम से। रियलाइजेशन अकाउंट यानी कि हमारे पास जो भी पैसा आया एसेट्स के लिए, लाइबिलिटी के लिए जो पैसा गया वो, उसके बाद जो भी हमारे एक्सपेंडिचर्स थे उनके लिए जो पैसा गया, पार्टनर लोन को जो हम पैसा चुकाएंगे, और पार्टनर्स कैपिटल को लास्ट में जो भी बचेगा हम वो पूरा का पूरा दे देंगे। उसके अलावा जो भी अन्य आवश्यक खाते हैं हम उस तरीके से बना लेंगे, जैसे भी इन्फॉर्मेशन हमारे ट्यूशन में रहेगी, जैसे ऋण खाते या पूंजी खाते या कोई भी अन्य आवश्यक खाते, हम उनको एज पर ट्यूशन के अनुसार बना लेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें अभी हम इसमें कोई ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आज हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच, गुड डे, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।